गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को व्याकरण का थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पहले ही करवा दिया है, इसका एक्सरसाइज भी समझा दिया है आप लोगों को। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर का नाम है शब्द विचार। अब देखो, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है वर्ड विचार, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो है आप लोगों का वर्ड विचार है। तो वर्ण से क्या पता चला था, वर्ण से यही था कि कोई शब्द जब बनाते हैं तो वर्णों को जोड़कर बनाते हैं, है ना। अब जैसे कि एक कमल ही लिख लिया मैंने यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये शब्द हो गया, ठीक है। अब हम कमल को अगर अलग करते हैं, क म ल, ठीक है। मैंने अभी पूर्ण वर्ण विच्छेद नहीं किया इसका, इसमें से अ भी छुपा हुआ है वो नहीं अलग किया है, लेकिन अगर हम वर्णों को अलग करते हैं ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये वर्ण हो गया। लेकिन सबसे पहले पढ़ा किसे जाता है, वर्ण विचार से। जो नींव मैंने बताई थी, हिंदी भाषा की जो नींव है वो क्या है, वर्ण है, ठीक है। वर्णों को जोड़ने से क्या बनते हैं, शब्द बनाए जाते हैं। तो पहले स्टार्ट किया हमने वर्ण विचार से, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार, ठीक है। तो शब्द विचार में क्या है, शब्द विचार क्या होते हैं, पहले मैं ये समझाती हूँ शब्द क्या होते हैं। कि जब किसी वर्णों को जोड़ने से, एक से ज्यादा या दो से, दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से जब हम उनको बोलते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं या उनका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है शब्द, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जिसका कोई अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है, ठीक है। देखो, दो या दो से अधिक अक्षर का समूह या दो से अधिक वर्णों का समूह अक्षर समूह वर्ण को ही कहा जाता है। समूह मतलब कि उनका कोई सार्थक मेल हो, सार्थक मतलब किसी का अर्थ, उसका अर्थ निकले। तो दो या दो से अधिक ऐसे स्वरूप एवं ध्वनि निर्माण करें कि हम उससे अर्थ या भाव निकल सके, ग्रहण कर सके, यानी ग्रहण कर सके या समझ सके, उनके अर्थ या भाव को समझ सके, उसे क्या कहा जाता है, उन समूहों को कहा, वर्ण समूहों को शब्द कहा जाता है, ठीक है। उन वर्ण समूहों को शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कमल तो मैंने लिखा ही है, एक घर शब्द ले लें, ठीक है। उसके बाद हिमालय ले लें, आपके बुक में दिया हुआ है हिमालय, और भी बहुत शब्द है, विद्यार्थी, फूल, कोई भी शब्द ले लें, ठीक है। अब इन सबको देखो, इन सबको जब हम अलग करेंगे, इन सबको हम जब अलग करेंगे तो ये क्या वर्णों में विभक्त अलग अलग हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, जैसे मैंने ये कमल का किया है ना। तो इनके मेल से ही क्या बना है, वर्ण बना है। अगर हम इनको अलग अलग बोलते हैं, क म ल, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जब हम इनको एक साथ बोलते हैं, जोड़कर बोलते हैं, समूहों को एक साथ बोलते हैं अक्षरों को, तब इनसे क्या बनता है, शब्द बनाया जाता है, ठीक है। इनको एक साथ बोलने से कोई ध्वनि समझ आ रही है, ठीक है, कोई शब्द समझ आ रहा है। अब इन वर्णों से जैसे कि घ प्लस र, ठीक है, हिमालय का भी इस तरीके से अलग करेंगे, तो इन वर्णों को साथ में बोलने से, ठीक है, इनकी जो ध्वनि निकल रही है, इससे कुछ ध्वनि निकल रही है, तो इससे ध्वनि से मिलकर क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। इसको हम लिखित रूप भी दे रहे हैं तो इससे भी कमल क्या होता है, पुष्प होता है, जल में रहने वाला पुष्प होता है, ठीक है, तो इससे भी कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इन्हें ही शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक अक्षरों वर्णों के समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब आगे है, अब अगला टॉपिक है आप लोगों का, इसमें इसके भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है रचना के आधार पर, ठीक है, शब्द के भेद या भेद या शब्द के भेद। Thank you.
यौगिक और नंबर थ्री यौगिक। ठीक है, ये रचना के आधार पर, ये ध्यान रखना है रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखो, रूढ़ शब्द के बारे में बता रही हूँ, तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं, आप लोग अपनी बुक में भी पढ़ लें एक बार, रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जो बहुत पहले से ही, मतलब एक तो एक ही अर्थ के लिए जाने आते हैं। ठीक है, एक ही अर्थ के लिए जाने जाते हैं और वो बहुत पहले से ही चलते आ रहे हैं, इसका कोई अर्थ बदला नहीं है। अब जैसे कि देख लो, कमल, घर, लड़का, पहाड़ आदि और भी शब्द है। ठीक है, ये शब्द दिए हुए हैं, तो ये ऐसे शब्द है जो बहुत पहले से ही अपने अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कोई विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कमल का मतलब क्या होता है, जल्दी रहने वाला कुछ जो है, घर का मतलब आपको जानते हैं निवास होता है, लड़का। अब इन शब्दों को हम अगर तोड़ते हैं, इन शब्दों को अगर तोड़ा जाता है तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम इस तरीके से भी लिखते हैं तो भी अर्थ नहीं निकलेगा, अगर हम यहाँ पे भी फल लगा दें, प्लस लगा दें तो भी अर्थ नहीं निकलेगा, अगर ऐसे लिखें तो भी अर्थ, तो इनका एक यही शब्द है जिनका अर्थ हमेशा से निकलता आ रहा है, इनको तोड़ने पे इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इनके टुकड़े किए जाने पर इनका अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द से ही क्या पता चल रहा है, यौगिक मतलब योग का पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे कि इसी में देख लो, विद्यालय लिखा है, शिवालय लिखा है, डाकघर लिखा है। अगर हम शिवालय को अलग करते हैं तो शिव आलय, ठीक है, अलग हो गया, इसमें दो शब्द, आलय मतलब स्थान होता है, ठीक है, और शिव ईश्वर हो गए। उसके बाद डाकघर ले लो, डाक प्लस घर, ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो अगर दोनों शब्दों को हम अलग भी करते हैं तो भी इनका क्या निकलता है, अर्थ निकलता है ना। जैसे रूढ़ शब्द को अगर हम अलग करते तो उसका अर्थ नहीं निकलता था, उसका अर्थ नहीं निकल सकता है, लेकिन जो यौगिक शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बने हुए, इसीलिए अगर उसको अलग करते हैं तो दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यौगिक शब्द ये हो जाते हैं। फिर अब अगला आता है आप लोग का योग रूढ़ शब्द। अब देखो अगला टॉपिक आप लोगों का योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द से क्या पता चल रहा है, रूढ़ शब्द कौन से थे कि जिनका अलग करने पे, जिन शब्दों को अगर हम टुकड़े में बांट दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और योग का मतलब क्या होता है, मेल मिलान करना या जोड़ना। तो योग रूढ़ शब्द में वो होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं दशानन, दशा नन, ठीक है, और लिखती हूँ कंसारी, चारपाई, जलज, ठीक है, ये शब्द लिख लिए मैंने यहाँ पे। अब इन शब्दों से जब देखो, ये भी दो या दो से अधिक, इनमें दोनों का है, फर्स्ट वाले का रूट और सेकंड वाले का योग रूट मिलाओ, सेकंड वाले का योग, दोनों मिला हुआ योग मतलब क्या है, जोड़ना। रूट शब्द वो हो गए कि जिनको अलग करने पर जिनका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है, जिनको अलग करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। अब दशानन, दशानन जो शब्द इससे कुछ अलग से अर्थ
चारपाई, जलज जल में रहने वाला कोष, ठीक है। जलज जल में और भी बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ है कमल, ठीक है। जल में रहने वाला कोष भी सिर्फ कमल के लिए ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जलज। वैसे ही चारपाई, ठीक है। तो ये है योगगुट शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ निकले। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने और उनका कुछ विशेष अर्थ निकले। अब जैसे कि यहाँ पे दशानन, दशानन का अर्थ क्या निकला है, विशेषता के रावण। कंसारी हो गया कृष, ठीक है, कंस को मारने वाला कृष। तो उसी तरीके से है आपका ये योगगुट शब्द हो गया। अब आपका जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक आप लोग इतना पढ़ेंगे और जो नहीं समझ आता है मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। तो आज का आप लोगों का यही होमवर्क है कि इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।